हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज। और इस चैप्टर में कम से कम दो एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय ए बॉलर इन 10 मैचेज। यानी कि एक बॉलर ने, एक गेंदबाज है, उसने 10 मैच खेले और उन 10 मैचेज के अंदर जितने उसने विकेट्स लिए ना, वो आपको गिवन है। यानी कि पहला मैच उसने खेला, उसने 2 विकेट्स लिए, दूसरे मैच में 6 विकेट लिए, तीसरे मैच में 4 विकेट लिए। इस तरह से आपको गिवन है क्वेश्चन में। आपको मोड बताना है, इस डाटा का मोड। मैंने आपको बताया हुआ है जो कंप्लीट लेक्चर पढ़ाया था कि मोड का मतलब क्या होता है, कि जो भी ऑब्जर्वेशन, इन सभी को क्या बोलते हैं हम, ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशंस या नंबर्स बोल लो, ठीक है। जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। यानी कि मोड का मतलब क्या हुआ, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है। यहां पे देख लो कौन सा नंबर ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार आया है, वही आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। आपको देखने से पता लग रहा होगा, देखो 2 यहाँ पे भी है, फिर 2 यहाँ पे भी है, और फिर 2 यहाँ पे भी है। 2 कितनी बार आया है, 3 बार। बाकी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 3 बार आया है। तो यहाँ पे मोड कितना हो गया अपना, 2 हो गया, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन का मोड सिर्फ एक ही हो, मोड एक से ज्यादा बार भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लो इस क्वेश्चन में 3 कितनी बार आया है, 2 बार। अगर मैं यहाँ पे 3 को 1 बार और लिख दूं तो फिर मोड 2 भी होएगा और 3 भी होएगा। फिर हमारा आंसर क्या आएगा, मोड इज इक्वल टू 2 एंड 3 बोथ। लेकिन ये कब होता, जब इस डेटा के अंदर 1 3 और होता, ठीक है। तो ये आप स्टार बना के लिख लेना कि जरूरी नहीं है कि एक डेटा का एक ही मोड हो, मोड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सीएफ। तो मैंने जब आपको मीडियन के बारे में सारा बताया था तो मीडियन निकलती सीएफ से है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कब बनाई जाती है, जब हमारे को मीडियन फाइंड करनी हो। मीन फाइंड आउट करने के लिए सीएफ टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, ना ही मोड फाइंड आउट करने के लिए बनाने की जरूरत होती। सिर्फ और सिर्फ मीडियन जब हम फाइंड करते हैं तब हमारे को क्या बनानी होती है, सीएफ टेबल बनानी होती है, क्योंकि इसके बिना आप मीडियन निकाल ही नहीं सकते। तो सीएफ टेबल का यूज सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, मीडियन। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। थर्ड क्वेश्चन में है द मीन ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का मीन निकालो। एक कॉन्सेप्ट आप नोट कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपका इस चैप्टर का। इस कॉन्सेप्ट को आप लिख लो, मीन ऑफ एन एपी। यानी कि कोई भी ऐसी सीरीज जो एपी हो और आपको कहा जाए कि उसका मीन निकालो। जैसे मान लो, मैंने एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, 3, फिर 4 है, फिर मान लो आपकी जो है ना 3 और 4, नहीं मैं 4 4 का गैप लेना चाहता हूं। तो 3 के बाद 4 का अगर हम गैप लेंगे तो 7 होएगी, फिर 11 होएगी, फिर 15, फिर 19, फिर आपकी कितनी होएगी, 23। इस तरह से हो जाएगी। मैं आपको कहता हूँ ये क्या है, एक एपी है। अगर आपको इसका मीन निकालना हो तो सीधा सीधा तरीका लिख लो, फर्स्ट टर्म किसी भी एपी की अगर आपको एवरेज या मीन निकालना हो तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को ऐड करके और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो देखो फर्स्ट टर्म कितनी है, 3, लास्ट टर्म कितनी है, 23, और 2 से क्या कर दो, डिवाइड। यानी कि 26 को 2 से डिवाइड करो, आंसर कितना आ गया आपका, 13। तो किसी भी एपी का अगर आपको मीन निकालना हो तो क्या करोगे आप, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कब लगाना है फॉर्मूला, जब गिवन सीरीज आपकी क्या हो, एपी हो, ठीक है। अब आप ये देखो, अगर आपको कोई नेचुरल नंबर की सीरीज गिवन हो, कौन से नंबर्स की, आपकी नेचुरल नंबर्स की सीरीज गिवन हो क्वेश्चन में, या आपको इवन नंबर की सीरीज गिवन हो, इवन नंबर की सीरीज गिवन हो, या आपको ओड नंबर्स की गिवन हो, ओड नंबर्स की सीरीज आपको गिवन हो, या फिर आपको किसी भी नंबर के मल्टीपल्स की सीरीज गिवन हो। अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स की सीरीज, वो सारी की सारी क्या होती है, एपी तो होती है ना। जैसे मान लो मैं कहूँ आपको
कि 7 के मल्टीपल्स, तो आप कहोगे सर 7 के मल्टीपल तो होते हैं 7, 7 1 जा, 7 2 जा, 7 3 जा, 7 4 जा, 7 5 जा, 7 6 जा, 7 7 जा, यही होती है। अब आपको कह दे ये तो क्या है, एपी है, और आपसे ये निकालना हो कि इन सभी नंबर्स का मीन बताओ, तो आपको ये नहीं करना कि इन सभी को आप ऐड करके 7 से डिवाइड करोगे, नहीं, ये एपी है और एपी का मीन तो सीधा सीधा क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, यानी कि 56 डिवाइड बाय 2, 28 आपके इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब देखो हमारा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहता है फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स कह लो या नेचुरल नंबर कह लो, दोनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। पहले 100 यानी कि 1 से स्टार्ट करो, फिर कितना आएगा 2, फिर 3, फिर कितना आएगा 4, और लास्ट में कितना आएगा 100, क्योंकि 100 तक काउंटिंग करनी है अपने को, और इनका क्या निकालना है, मीन निकालना है। आप मेरे को बताओ, मैंने अभी बताया ये क्या है, एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, और इसका मीन क्या होता है आपका, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो यानी कि 101 डिवाइड बाय 2, 101 रुपीज़ को अगर आप दो बच्चों में बांटोगे तो हर एक को कितने मिलेंगे, 50.5, आंसर आपका कितना आ गया, 50.5, ये इस क्वेश्चन का आंसर है बस। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, मीन ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। देखो फर्स्ट 20 इवन नंबर्स, मैं आपको लिख देता हूँ एक चीज, आप नोट कर लेना, इवन नंबर्स कह लो या मल्टीपल्स ऑफ 2 कह लो, एक ही बात है। ठीक है, या क्या कह लो आप, मल्टीपल्स ऑफ 2, दोनों का एक ही मतलब है, 2 के मल्टीपल्स को ही तो हम इवन नंबर बोलते हैं ना। तो पहले 20 इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, आप बस ये बता दो मेरे को, पहला कौन सा होएगा, 2, फिर कितना होएगा, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, 16, 18, 20। कई बच्चे गलती क्या कर देते हैं, बस 20 तक लिख के छोड़ देते हैं, और ये कहते हैं कि हमारे से क्वेश्चन में इस सीरीज का मीन पूछा गया है, लेकिन नहीं, पहले 20 नंबर का मीन पूछा गया है। तो क्या ये 20 हो गए काउंटिंग में, ये तो 10 ही हुए हैं। ठीक है, फिर ये कितने हो गए, 11 हो गए, जैसे ये 12। आप मेरे को ये बता दो, अगर 20 की जगह 50 पूछ लिया जाता तो क्या आप इतनी लंबी सीरीज थोड़े लिखोगे, आप तो बस ये देखोगे कि लास्ट के अंदर क्या आएगा, यानी कि 20th नंबर पे क्या आएगा। देखो ये सारी 2 के मल्टीपल्स है, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, तो लास्ट में कितना आएगा पता है, 2 into 20, यानी कि लास्ट नंबर अपना कितना होगा, 40 होगा। और मैंने क्या बताई थी, ये तो क्या होती है, हमेशा एक एपी होती है, और एपी का अगर आप मीन निकालोगे तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है आपकी लास्ट टर्म है, और 2 से क्या कर दो, इसको डिवाइड करो, यानी कि 42 को 2 से डिवाइड करो, आंसर आ गया आपका 21। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, एक बार आपको समझ आ गए तो पेपर में ओरली इन क्वेश्चंस के आप आंसर दे सकते हो। आपको सबसे पहले यही करना है, पहला नंबर कितना होगा 2, लास्ट नंबर कितना होगा 40, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 21 आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको पहले 15 ओड नंबर्स का मीन बताना है। इसका मैं एक तरीका तो आपको बता देता हूँ बेसिक, जैसे आप ये बताओ ओड नंबर की सीरीज लिखो, पहला नंबर कितना होगा 1, दूसरा नंबर कितना होगा 3, फिर कितना होगा 5। अच्छा ये तो 15 ही है, 15 हो, 20 हो, 5 हो, ये तो आप लिख भी सकते हो, अगर मान लो आपको कुछ भी ध्यान ना रहे। ठीक है, लिख लो एक बार, 15 तक मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, ओड नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, विषम संख्याएं, फिर 13, फिर 15, फिर 17, 19, 21, 23, 25, 27 और 29। आप काउंट करके देख लो, ये मैंने 15 ओड नंबर लिख दिए। ठीक है, और ये क्या बन गई, एक एपी बन गई, एपी तो है, देखो हर एक में कॉमन डिफरेंस कितने कितने का है, 2 2 का है। तो एपी का तो मीन निकालने का तरीका सीधा सीधा होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो यानी कि 30 डिवाइड बाय 2, 30 को 2 से डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा आपका 15। ठीक है, एक तरीका तो ये है बेसिक, एक तरीका तो क्या है, ये बेसिक है। आपको अगर ये पता करना हो कि लास्ट वाला ओड नंबर, देखो अपने को ये जो बीच में ओड नंबर अपने लिखे हैं ना, इनका कोई यूज हुआ, आप कहोगे जी बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ, हमने तो बस पहली और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो कितना अच्छा होता अगर मेरे को ये पता लग जाता कि 15th नंबर पे जो ओड नंबर आएगा वो 29 आएगा, क्योंकि पहला तो अपने को सबको पता है 1 होता है, 15th नंबर पे नहीं पता। ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि डायरेक्ट कैसे पता करें, डायरेक्ट
कैसे पता करें कि 15th ओड नंबर कितना होगा। यही तो सारी कहानी है कि 15th नंबर पे कौन सा ओड नंबर आएगा। अगर वो मेरे को पता लग जाए तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल आसान। उसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखो, आपको अगर 15th नंबर वाला ओड नंबर निकालना हो तो आप क्या किया करो, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 30, और इस 30 में से एक माइनस कर दो, कितना आ गया 29। बस यही आपका 15th नंबर पे ओड नंबर होगा। जैसे मैं आपको ये कहूँ, आप मेरे को निकाल के दिखाओ 20th ओड नंबर, कि 20th नंबर पे अगर मान लो यहाँ पे 15 की जगह क्वेश्चन में 20 होता तो 20वें नंबर पे कौन सा ओड नंबर आता, तो आप कहोगे सर 20 को 2 से तो मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से 1 क्या कर दो, माइनस, यानी कि 40, 40 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा 39 आएगा। अब मैं आपसे पूछूँ एक क्वेश्चन और कि बताओ 27th नंबर पे कौन सा ओड नंबर आएगा, 27th ओड नंबर तो कौन सा आएगा बताओ, 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 क्या कर दो, माइनस, यानी कि 54 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा आपका 53 आएगा। ठीक है, तो अब आपको ये परेशानी नहीं आएगी कि कोई कितने नंबर पे कौन सा ओड नंबर आएगा, आप डायरेक्ट बता सकते हो। ठीक है, एक तो ये मेथड है, दूसरा एक डायरेक्ट फॉर्मूला देख लो, डायरेक्ट शॉर्टकट। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड, कि जैसे ही पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आएगा तुरंत आप बता दोगे कि ओड नंबर्स का मीन कैसे निकालते हैं। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये चीज़ ध्यान से समझ लो। देखो, मैं एक ओड नंबर लिखता हूँ, एक ओड नंबर का मीन क्या होता है आप मेरे को बताओ, एक ही नंबर है तो उसका मीन तो कितना होगा, वो खुद ही होगा नंबर। ठीक है, अगर मैं पहले दो ओड नंबर लिख देता हूँ, इनका मीन आप मेरे को बता दो, मीन कितना होता है दोनों को जोड़ के और दो से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो कितना होगा 4/2, यानी कि 2। मैं तीन ओड नंबर लिखता हूँ, 1, 3 और 5, बताओ इनका मीन कितना होगा। मीन का सीधा सीधा तरीका होता है, या तो एपी वाला फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ के 2 से क्या कर दो, डिवाइड, यानी कि 3 आ जाएगा। पहले चार ओड नंबर की मैं बात करूँ तो बताओ इनका मीन कितना होएगा, एपी है और एपी का मीन क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, यानी कि 8/2, कितना आ गया 4। एक और लिख के दिखा देता हूँ मैं, 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि कंटिन्यूस ऑर्डर में लिखना है, कोई भी मिस नहीं करना बीच में। ठीक है, आपको पहले पांच ओड नंबर का मीन निकालना है, ये एपी है और एपी का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, यानी 10/2, कितना आ गया 5। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि क्या पैटर्न बना, एक ओड नंबर हो तो उसका मीन कितना होगा 1, अगर दो ओड नंबर हो तो उसका मीन कितना होगा 2, अगर तीन ओड नंबर हो तो उसका मीन कितना होगा 3, अगर चार ओड नंबर हो तो उसका मीन कितना होगा 4, अगर पांच ओड नंबर हो तो उसका मीन कितना होगा 5। अब आप समझ गए क्या पैटर्न है, जितने ओड नंबर होंगे ना उसका मीन भी उतना ही होगा। ठीक है, तो स्टार लगा के पॉइंट बना के लिख लो, ये क्या मीन ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स, मीन ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ नेचुरल नंबर का ही है, लेकिन फिर भी मेरे लिए लिखना जरूरी है, मीन ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर, जब भी ओड की बात आ जाए तो जितने नंबर होते हैं ना उनका मीन उतना ही होता है। अगर आपको पांच नंबर का मीन पूछे ओड नंबर का तो 5 बता देना, 50 का पूछे तो 50 बता देना, बस यही इसका मेथड है। ठीक है, ये लाइन आप नोट कर लेना और ये जो भी चीज़ें मैंने लिखवाई है ये नोट कर लो, ताकि बाद में जब आप पढ़ो तो आपको आसानी हो। अब देखना इसमें आपसे क्या पूछा गया था, फर्स्ट 15 ओड नंबर्स, जहाँ पे भी ओड नाम आ जाए ना और उनका मीन पूछा जाए, आप ये देख लो कितने नंबर है, 15 नंबर है तो इनका मीन भी कितना होगा 15। ठीक है, मैंने निकाल के दिखाया यहाँ से भी फिर यहाँ से भी, लेकिन मैं कहता हूँ डायरेक्ट ही आपको आंसर पता लग जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कहता है, मीन ऑफ फर्स्ट 7 इवन नंबर्स, इवन नंबर में ये रूल मत लगा देना, मैंने किसके लिए बताया था वो रूल, सिर्फ ओड नंबर्स के लिए, इवन नंबर के लिए तो बहुत आसान होता है। देखो पहला इवन नंबर कितना होता है 2, फिर कितना होता है 4, फिर कितना होता है 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14,
पहले सेवन निकालने हैं, तो सेवन था गया ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सेवन को डायरेक्ट टू से मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो फर्स्ट भी आ गया लास्ट भी आ गया। ये क्या होती है एक एपी, और एपी में तो मीन निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय टू, यानी कि 16 को 2 से डिवाइड करो, आंसर कितना आ गया आपका 8 आ गया। ठीक है, तो एपी का मीन निकालने का एक ही मेथड है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो सेवन्थ क्वेश्चन, मीन ऑफ फर्स्ट सेवन ओड नंबर्स, मैंने क्या बताया था, जब भी ओड की बात आ जाए तो जितने नंबर्स उतना ही उनका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा आपका, या फिर आप क्या कर लो सेकंड मेथड देख लो, ये तो डायरेक्ट था। अगर डायरेक्ट मान लो बाय चांस आपको याद नहीं रहता तो एक्चुअल में कैसे निकालेंगे, देखो पहला ओड नंबर वन, दूसरा थ्री, फिर फाइव, फिर सेवन, फिर नाइन, फिर इलेवन और फिर 13। ठीक है, ये हो गया, फिर इसका मीन बताओ, इन सब का मीन बताना है, और ये क्या है एक एपी है, और एपी का मीन क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय टू, यानी कि 14 डिवाइड बाय टू, आंसर कितना आ गया आपका 7। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो अगर आपको याद ना रहे तो। ठीक है, ये एपी है, एपी का मीन निकालना आपको आता ही है। ये आपको मोड का सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा गया है, तो मैंने आपको मोड पढ़ाया था तो बताया था मोड का एक ही फॉर्मूला है, ये पहले वाला ऑप्शन, ये याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, तो क्योंकि 4 नंबर का पेपर में क्वेश्चन भी आता है। याद रखने का सारा आसान तरीका ये है, सब जगह माइनस होते हैं, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे क्या होता है आपका 2 होता है, ठीक है, और यहाँ प्लस होता है बाहर, तो मोड निकालने का ये क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब देखो इसमें क्या कहता है, फर्स्ट सेवन नेचुरल नंबर्स का मीन बताओ, तो लिख लो पहले सेवन नेचुरल नंबर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, बीच वाले लिखने की जरूरत ही नहीं है, पहला लिख लो और सेवन्थ नंबर पे तो सेवन ही आएगा, इनका क्या बताना है अपने को मीन, और नेचुरल नंबर की जो भी सीरीज होगी ये क्या बनेगी, हमेशा एपी बनेगी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय टू, यानी कि 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा 4। 4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा बस आपका। 10th क्वेश्चन में आपको मोड बताना है, मोड का मतलब क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है वही क्या होगा, मोड होगा। तो देख लो आपका, देखो पहले मैं 12 को टिक कर रहा हूँ, ये 12 एक, फिर ये दो, फिर 12 कितनी बार आ गया, तीन, और तीन बार है, हो सकता है दूसरा नंबर भी आया हो, मैं तो वैसे ही एक बार आइडिया लिया है। और देख लो क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक एट है, ये एट है, और ये एट है, एट भी कितनी बार आ गया, तीन बार आ गया। फिर उसके बाद देखो कोई और नंबर दिखाई दे रहा है क्या आपको, 16 देखो, 16 एक, फिर ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार और फिर ये पाँच, ये सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक है, 16 सबसे ज्यादा बार आया है, तो मोड कितना होगा अपना 16 होगा। ठीक है, क्यों, ब्रैकेट में लिख लो ताकि बाद में जब आप रिवीजन करो तो आपको आसानी हो, क्योंकि 16 इस डेटा में सबसे ज्यादा बार आया है, सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए 16 इस डेटा का क्या है, मोड है, और यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये हमने किए 10 क्वेश्चन, और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट को चेंज करके, बट पूछा इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।